क्लास 12 फिजिक्स टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। एक शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ये कॉन्टिन्यूड था टॉपिक, मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, फिर से बता दे रहा हूँ। ये लाल वाला स्फेरिकल शेल है, एस से रिप्रेजेंट किया हूँ, ओके। ये सेंटर इसका वो है, एक मैंने स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस मैंने तैयार कर लिया, और ये एरिया एलिमेंट ds है, ओके। ये एरिया एलिमेंट ds है और ये एरिया वेक्टर ds है, ओके बच्चों। हमको इस P पॉइंट पर, इसके सेंटर से इस गॉसियन सरफेस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस सेल के कारण। हमने इस सेल को चार्ज क्यों दे दिया था, आपको कल एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो डायरेक्शन है ये फ्रॉम द सेंटर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके। ये हो गया E, ये आर कैप इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया वेक्टर ds है। देखिए E और ds पैरेलल हैं, यानी इनके बीच का एंगल जीरो है। तो मैंने कल यहां तक पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस दैट इज E ds इज इक्वल टू E और ds के बीच का एंगल, चूंकि जीरो है, पैरेलल है, इसलिए जीरो है। E ds cos 0 सो इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इस पर चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, q है। वो चार्ज कहां बच्चों मान लिया जाता है, सेंटर पर, ओके। नाउ E को बाहर निकाल लीजिए आप, ये हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका आप s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, s आएगा। अगले स्टेप में देखिए s आ गया और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s क्या है, नीले वाले का सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर। अब आइए इसके केस नंबर 1 पे, मान लीजिए कि ये p पॉइंट यहां पर ना हो करके इस स्फेरिकल शेल पर होता, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, यानी उस स्थिति में, उस पोजीशन में क्या होगा, r will be exactly equal to the capital R k, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाएंगे तो इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, this will become c is equal to q upon 4 pi epsilon naught capital R square, if surface density of the charge on the cell is, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, surface density of charge that is सिग्मा, then उस पोजीशन में क्या होगा, फेज नंबर 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ओके। उस स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया रेड वाले का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ये रिजल्ट मिला। अभी देखिए, देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू ये है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, और ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये देखिए ये और ये कैंसिल आउट कर दिया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई शेल के ऊपर। केस नंबर 2 पर आइए, इफ द पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फेरिकल सेल, आप फिगर देखिएगा मैंने ग्रीन से खींचा है, वो सेल के अंदर का पोर्शन है, और अंदर सेल के अंदर कोई भी चार्ज कॉन्टेंट, क्योंकि हवा में चार्ज नहीं रह सकता बेटा, चार्ज को रहने के लिए किसी सरफेस की आवश्यकता होती है, तो चार्ज हवा में नहीं उड़ता है। इफ द पॉइंट पी लाइज इन साइड द स्फेरिकल सेल देन गॉसियन सरफेस इज द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एस टू, उसका नाम मैंने एस टू दिया है फिगर में, ऑफ रेडियस, इस स्थिति में, इस केस में क्या होगा, आर विल बी लेसर देन कैपिटल आर, सिंस चार्ज इन साइड ए स्फेरिकल सेल इज जीरो, देयरफॉर द गॉसियन सरफेस इन दिस केस क्या होगा, इनक्लोजेस नो चार्ज, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जीरो, जब क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी, ओके। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज जीरो। थैंक यू।